दोस्तों इस तरह की पहले हम तो छोटे थे तब काफी चलाते थे। चार ये नर्सरी 12 नर्सरी पॉट का ऑर्डर आया है और एक जो नीम खली है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज देखिए फॉग कितनी ज्यादा है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, आज उससे भी ज्यादा है। यहाँ पे देखिए पूरी फरवरी ऐसा हो सकता है, फरवरी में भी ऐसा हो सकता है कि जो धुंध है, जो फॉग है वो हो जाए। और अभी जो टाइम है वो 8 बजे, 8 बजे तक ये हाल है। कल भी काफी तेज धुंध थी लेकिन आज कल से भी ज्यादा है। ऊपर आसमान देखिए, आसमान और नीचे बराबर है। चलिए घर वापस चलते हैं। दोस्तों आज काफी तेज धूप निकली है और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में। एक चीज आपको बतानी थी कि हमारा ऑनलाइन स्टोर जो हमने ओपन किया था उसमें पहला ऑर्डर आया है जो आज हम पैक करके डिलीवर करेंगे। बाकी जो वेबसाइट का काम है थोड़ा सा रह रहा था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप जाके चेक कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करना और बताना जो नया लुक है वेबसाइट का वो आपको कैसा लगा। और इसे बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन खुद बनाते हैं जब वेबसाइट तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि सारी चीज़ें हमारी मर्जी के अनुसार होती है। इस वजह से सुबह में जो है धुंध थी काफ़ी, अभी नहीं है, अभी धूप निकल आई है। अभी आप देख सकते हैं पीछे देखिए सरसों के खेत, यानी कि बसंत पंचमी जो है वो आने वाली है जल्द। गेहूं की खेती भी तैयार है। आप वेबसाइट पे जाइए, वहां भी ये चेक कीजिए कि और क्या क्या प्रोडक्ट हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कीजिए। मंदिर के अंदर लाइटिंग बहुत अच्छी आती है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे लाइट लगा रखी हो। देखिए पिक्चर कितनी क्लियर हो गई है जबकि बाहर इतनी क्लियर नहीं रहती है। सोच लिए अब घर चलते हैं। मंदिर में चलाऊं दोस्तों इस तरह की पहले हम तो छोटे थे तब काफी चलाते थे, इसको इस तरह से घुमा के ऊपर चलाते हैं। अब चला के दिखाता हूँ। ना दोबारा उड़ा, अब उड़ा। दोस्तों अब चूल्हे के आगे बैठेंगे और यहीं पे खाना खाएंगे। गाँव में ऐसे होता है, चूल्हे के आसपास ही बैठ के खाना खाते हैं। वैसे जब सर्दी ज्यादा है जो है पैकिंग कर रहा था यहाँ बैठ के, तो ये देखिए जो छोटे पॉट है इस तरह के, चार ये नर्सरी 12 नर्सरी पॉट का ऑर्डर आया है और एक जो नीम खली है बोन मील है उसका आया है। बोन मील भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और अब हम देखते हैं कि इसको हम पैकिंग कैसे करेंगे। तो ये बोन मील का एक पैकेट है, एक इसका है और 12 ये है। और क्योंकि हमारा पहला ऑर्डर है तो इसके साथ मैं कुछ प्लांट्स जो है वो इनको फ्री गिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब इसको पैकेजिंग करनी है इसकी किस तरह से करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर है तो इसको काफ़ी अच्छे से हम पैक करते हैं। तो पॉट्स को कुछ हो ना इसलिए मैं सोच रहा हूँ साइड में हम जो है कुछ अखबार लगा देते हैं ताकि अगर बाई चांस ये थोड़ा वो भी होते हैं दबाव आता है इन पर तो ये ख़राब ना हो। तो साइड में हम जो शिपिंग के लिए जो मैंने रजिस्टर किया है उनकी कॉल थी, तो यह मेरा पहला ऑर्डर है और मैंने शिपिंग के लिए एक वेबसाइट है वो रजिस्टर की है, शिप लाइट के नाम से है। तो वो क्या है उनके पास सारी कोरियर सर्विस मिल जाती है, तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये हम उन्हीं के थ्रू जो है वो सेल करेंगे। तो ये मेरा पहला ऑर्डर है, होप अच्छे से हो
हो जाए। और मैंने जो हमारे जो कस्टमर है उनसे बात कर ली, क्योंकि पहला ऑर्डर जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैंने उनको बता दिया कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप ये ना सोचे कि आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी अभी बिगिनर हूँ इसमें, तो मैंने उनसे बात कर ली है। तो चलिए अब इसको पैकिंग करते हैं इसकी। तो इस तरह से देखिए मैंने पैक कर दिया, इसमें अखबार वगैरह लगा दिए हैं, होप ये सेफली पहुँच जाएगा। दोस्तों अभी क्या है, सिर्फ हमारे पास कुछ भी मटेरियल नहीं था पैकेजिंग का, तो अभी ऐसे एक जुगाड़ सा बना के हमें भेजना पड़ रहा है। बाद में हम जो है अच्छे से पैकेजिंग का मटेरियल लेकर आऊँगा, तब मैं वीडियो दोबारा बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या पैकेजिंग का मटेरियल हम लेके आए हैं। दोस्तों अभी हम एक बार इसका जो वेट वगैरह है वो कर लेते हैं, और उसके बाद मैं इसकी जो शिपिंग लेवल है वो निकालता हूँ। तो वेट करने के लिए मैं एक मशीन लेके आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो ये एक छोटी सी मशीन है जिसपे हम 10 किलो तक का वेट जो है वो कर सकते हैं। इसमें सेल डालते हैं, देखिए पीछे सेल है, और इसको हम सिर्फ यहाँ पे करेंगे, ऑन ऑन का बटन दबाएंगे, यहाँ पे जो है लिखा आ जाएगा कि कितने केजी का ये। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कितने केजी का बनता है हमारा प्रोडक्ट। तो ये 1 किलो 920 ग्राम का है। तो मैं अभी जो है कोरियर करा के आऊँगा, और आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नए ब्लॉग के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।